सुरेंद्रनगर में कट्टी परिश्रम नेजा हेठ जिला रिक्शा एसोसिएशन द्वारा कलेक्टर कचेरी रजूआत करवामां आवी। गुजरात रिक्शा चालकों ने 5,000 करोड़ पेकेज में समावेश करने जिला रिक्शा एसोसिएशन द्वारा मांग कराई। राज्य सरकार द्वारा रिक्शा चालकों ने 5,000 रुपया आपवानुं वचन लॉलीपॉप समान साबित थयुं। रिपोर्टर दीपक सिंह वाघेला। सुरेंद्रनगर कट्टी परिश्रम रिक्शा एसोसिएशन द्वारा आज अमे कलेक्टरशी ने गुजरात राज्य मुख्यमंत्री श्री विजयभाई जाहरात करेली आर्थिक पैकेज रिक्शावाला ने तमाम ने अमे आपसू 5,000 रुपया पर आज सुधी एक पण रुपये नथी आव्यो त्यारे अमे सौए एक कारोबारीनी मीटिंग बोलाई सर्वमते ठराव कर्यो अने कलेक्टरशी आगळ रजूआत करी अने अमे पत्र द्वारा विजयभाई ने अमे सहाय तात्कालिक दे कारण के कोई काम धंधो थयो नथी। 60 दिवस लॉकडाउन कारण आर्थिक परिस्थिति बगड़ी गई है। आज ये लोग बेरोजगार बनी गया है। एमना बाळकोनुं शिक्षण भविष्य बगड़े से पोतानुं संसारी जीवन बगाड़ीने आज लॉकडाउन ने मान आपीने एमने कायदानुं पालन कर्युं छे त्यारे विजयभाई रूपाणी जो आ जाहेरात करीने फरी जाता होय तो एमने ए पद पर बेसवानो कोई हक नथी। नाना अने गरीब माणसोने आवी रीते लॉलीपॉप आपी अने मजाक करी छे तो आ मजाक खरेखर आवता दिवसोमां हुं एवुं मानुं गुजरातमां 20 लाख रिक्षाना कामदारों मारा मित्रों यूनियनों द्वारा अमे आंदोलन मार्गे ना जवुं पड़े एटले तात्कालिक धोरणे अमने सहाय चूकवी एवी अमारी मांगणी। सुरेन्द्रनगरमां एवा केटला रिक्षा चालको छे? 20,000 छे। 20,000 आगामी शुं कार्यक्रम रहेशे? आ अमे 30 दिवसનું અલ્ટિમેટમ આપ્યું છે કારણ કે પ્રોસિજર લાંબી છે। સરકાર શું કહેવા માગે છે સરકારના જવાબ આવ્યા પછી જો જવાબ રિક્ષાવાળા તરફથી હશે તો અમે કોઈ વસ્તુ નહીં કરીએ, પરંતુ હું એટલું ચોક્કસ કહીશ જો અમારી માગણી નહીં સંતોષાય તો 30 દિવસ પછી અમે રોડ ઉપર આવીને પણ આંદોલન જલદ આંદોલન કરશું।